जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं महोबा की कुछ अहम खबरों का। मामला महोबा जिला मुख्यालय के स्थित जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का है, जहां देर रात एक्सीडेंट में चोटिल हुए भाजपा जिला मंत्री उर्मिला राजपूत के पुत्र प्रिंस राजपूत को उपचार के लिए परिजनों द्वारा जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां शराब के नशे में चूर बीजेपी नेत्री के पुत्र प्रिंस राजपूत ने ड्यूटी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए जमकर गाली गलौज किया। शराब के नशे में चूर प्रिंस राजपूत इतने पर भी नहीं रुका, उसने अस्पताल के ओटी रूम में तोड़फोड़ कर दी। शराबी युवक की करतूत से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस को देखकर आरोपी प्रिंस राजपूत मौके से भाग खड़ा हुआ, तो वहीं पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन की तहरीर के आधार पर आरोपी प्रिंस राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। महोबा से संवाददाता रिंकू खान की रिपोर्ट। डॉक्टर यतीन पुरवार ईएमओ थे रात में, और वहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है वो तोड़फोड़ की गई और उनसे जो है गाली गलौज की गई, जिसकी जो है उन लोगों ने जो है हमारा जो स्टाफ था रात्रकालीन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर और वो फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय, उसी पर उनने जो है एक तहरीर जो है दिया है, तो उसको हमने अग्रसारित किया है थाना कोतवाली इंस्पेक्टर को जो है। कल प्रिंस राजपूत पुत्र राम सिंह राजपूत ये अपनी क्रेटा गाड़ी से था और इसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था, और ये बहुत ज्यादा दारू पिए हुआ था, ये ट्रक वाले के साथ भी मारपीट गया था। जब पुलिस इसको हॉस्पिटल लेकर गई तो इमरजेंसी में इसके सिर में भी इसके में चोट आई थी, तो उस समय इसने अस्पताल में भी जाकर बदतमीजियां करी, पुलिस के साथ में गाली गलौज करी है। तो अभी पुलिस स्टाफ द्वारा प्रार्थना पत्र मिल गया, इसके खिलाफ इस FIR दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।